हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है शेफरपाल सिंह सोखी। और बारिशों का मौसम आते ही पकोड़े खाने की बड़ी इच्छा होती है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो रेसिपी आज मैं बना रहा हूँ मेरे जैन भाई बहनों के लिए है, बड़ी स्पेशल है, बहुत यूनिक है। और हम बना रहे हैं पत्ता गोभी के साथ। सबसे पहले ये लीजिए, ये पत्ता गोभी ले ली और इसमें विनेगर 2 बड़े चम्मच डाल लिए, शक्कर 1 चम्मच बड़ा वाला डाल लिया और नमक डालिएगा नाचते झूमते गाते। अजवाइन पकोड़े में बहुत जरूरी है, 1/2 छोटा चम्मच। हरी मिर्चें 2 से 3 अगर तीखा खाते हैं तो, ये लीजिए ये डाल ली मैंने। लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और पत्ता गोभी जो हमने लिए छोटी सी ली है वो लगभग 250 ग्राम के आसपास, 300 नॉट मोर देन दैट, ठीक है। उसको आपने कद्दूकस कर लेना या ग्रेट कर लेना। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का ले लिया। अब ये मिक्स कर लेते हैं तो इसमें एक पिकल्ड वाला इफेक्ट आएगा क्योंकि आपने विनेगर डाला है, शुगर डाली है आपने, इसमें खट्टा मीठापन आएगा। तो पत्ता गोभी भी जब खाएंगे ना आप पकौड़ों में तो वो आपको एक बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो थोड़ी देर रखना है इसको, कम से कम 5 से 10 मिनट, 10 मिनट तक आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये लीजिए मिक्स कर लिया, बढ़िया। तो 10 मिनट तक रखें, उसके बाद बेसन मिलाना है और फिर फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल आपको चाहिए जो आप गरम करने रख सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे जब शक्कर मेल्ट हो गई तब इसमें बेसन डाल लेना आपने। ये लगभग 1 कप बेसन लें और वो डाल लें। फिर से जैसे पकौड़े बनते हैं ये मात्रा थोड़ी सी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा डालें, मिक्स करें, चेक करें कैसा लग रहा है आपको। बेसन कम लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, बट 1 कप इज गुड इनफ फॉर जितनी मैंने पत्ता गोभी बताई है आपको। ये देखिए बस गुड इनफ। पकौड़ों में बेसन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खासतौर से इस तरह के पकौड़े। और इसमें बहुत थोड़ा पानी, क्योंकि आपने पत्ता गोभी में विनेगर डाला है और शुगर नमक डाला है तो गोभी भी पानी छोड़ती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा पानी डाल देते। और तेल रखा हमने गरम करने, जैसे प्याज के पकौड़े बनाते हैं वैसे ही फिर से छोड़ना है हमें। अब ये जैसे ही हाफ फ्राई हो जाए तो इसे निकाल लेते हैं और तेल को वापस गर्म करेंगे। ये बढ़िया, अब यहां पे तेल को वापस गर्म करेंगे। एक काम और कर सकते हैं आप, वो मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपने। ये नैपकिन टिश्यू पेपर लेके, जितने थोड़े से ज्यादा मोटे वाले हैं, ये जैसे काफ़ी मोटा है तो इसे राउंड है एक्चुअली, तो इसे थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं ये इस तरह से, ताकि फ्राई करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तेल जब दोबारा वापस गर्म हो जाए और पकोड़ों को आपने इस तरह से प्रेस करके रेडी रखा है तो वापस इसमें डाल लेते हैं और इस बार बढ़िया क्रिस्प फ्राई कर लेंगे। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, वो फिर से मैं बताऊं कि वो है तेल का टेम्परेचर, क्योंकि आपने शक्कर डाली है इसमें, तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो जो शक्कर है वो कैरमलाइज जल्दी हो जाएगी और आपके पकोड़े ठीक से पकेंगे, तो ये ध्यान में रखें। ये भी छोटी सी एक टिप है आपके लिए। और हो सकता है जो ब्राउन हो जाए आप इसमें से निकाल सकते हैं, जैसे ये मैं देख रहा हूँ कुछ ये तो पकोड़े ब्राउन हो गए, इनको मैं निकाल लेता हूँ। अब ये लीजिए ये पकोड़े तैयार परोसने के लिए, बढ़िया प्लेट ये ले ली हमने। तो ये रहे आपके लिए पत्ता गोभी के पकोड़े। अब कुछ चीजें बहुत जरूरी है वो जरूर करिएगा ताकि टेस्ट बेहतरीन आए, वो है विनेगर डालना, नमक डालना, शक्कर डालना। विनेगर ना हो तो नींबू डाल सकते हैं आप, ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखें आप। और मसाले डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें ताकि ये जो फ्लेवर है ना अंदर से एक फ्लेवर आता है और जुबान को एक टेस्ट लगता है, वो है खट्टा मीठा तीखापन का। वो तभी आएगा जब आप पहला मैरिनेट करेंगे। कैबेज पकौड़े जो है बहुत सारे हैं यूट्यूब में, लेकिन इस प्रकार का ये पहला है। बना के खाइए ताकि आपको डिफरेंस पता चले। भाई मौसम एकदम बढ़िया है,
पत्ता गोभी पकौड़ा बनाइए और खाइए। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।